हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय गार्डन। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक लेकर आई हूँ, ये है सिलोशिया, इसको कॉक्सकॉम भी कहते हैं। जैसे देखिए कि मुर्गे के सर पे कलगी होती है, तो इसके ऊपर बात करने आई हूँ। सिलोशिया की सीड्स मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आज इसको नहीं, मेरे पास पहले से जो सीड है, जो मैंने मार्च में ये पौधा उगाया था, ये वाली, ये वेरीगेटेड टाइप की सीड है। तो मेरा पौधा जब ख़राब हो गया तो उसकी सीड मैंने इसमें कुछ कलेक्ट किए हैं इस बॉटल में, तो इसको मैं लगाऊंगी। और दो तीन हफ्ते पहले मैंने कुछ सीड जो है डाल दिया था, तो वो यहाँ पर आ गया है। तो ये देखिए सीड्स आप, तो अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये छोटा सा पॉट है, और इसमें मिट्टी लेने का तरीका ये है कि इसमें आप कोई भी तरीके की मिट्टी ले सकते हैं। इस सीड को लगाने के लिए किसी भी खाद की या कुछ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप जो है अपनी गार्डन की सॉइल ले लें, और उसमें बजरी होना ज़रूरी है ताकि जो है पानी ज़्यादा उसमें इकट्ठा ना हो। कोकोपीट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। कोकोपीट में क्या होता है कि उसके अंदर अपना नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स होता है, और एक चीज़ उसमें और होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसमें सीड वगैरह ख़राब नहीं होती और बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। और मैं इसमें जो मिट्टी ये डाल रही हूँ, ये मेरे अपनी ही पुराने गमले की मिट्टी है, और उसको मैंने इसमें डाला हुआ है, और थोड़ा सा इसमें मैंने बजरी का परसेंटेज और डाल दिया है। सिलोशिया, ये सिलोशिया कॉक्सकॉम की ही एक वैरायटी है, कि देखिए कॉक्सकॉम मुर्गा के सिर पर कलगी होती है ना, तो उसी ने इसका नाम ऐसा पड़ा है। तो इसकी सीडलिंग करने के लिए हम ये सीड जो हमारे पास, जो पौधा मेरे पास मार्च में लगाया था, उसी की सीड है। व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये मैंने इसमें थोड़ा सा ये परलाइट डाला है ताकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहे। अब मैं आपको सीड लगा के दिखा रही हूँ। ये मिट्टी, ये देखिए, मैंने ये सारी मिट्टी इस पॉट में रख लिया है, और ये है मेरा कॉक्सकॉम की सीड। देखिए कितनी चमकदार इसकी सीड है, ऐसी इसकी बीज होती। मैंने ये देखिए फ्लावर के हमारे ये सूखे सूखे पीस इसके अंदर है, मैंने फ्लावर ही तोड़ के रख लिया था अपने पुराने पौधे का, ये उसकी सीड है। ये आप सीड कितनी ज्यादा है इसकी। अब आप चाहें तो इसको जो है कुछ बालू लेकर उसमें मिला करके हम ऐसे डालेंगे तो दूर दूर सीड रहेगी। तो जैसे ये हमारे पास ये मिट्टी है, थोड़ा सा हमने इसको ऐसे ले लिया और ऐसे मिला दिया, और मिलाने के बाद हम इसको ऐसे दूर दूर ऐसे डालेंगे। जब तो ये दूर दूर हो जाएगी, तो इसकी ट्रांसप्लांट जब निकल के आएगा पौधा, तो थोड़ा एक एक सेंटीमीटर के फर्क में रहेगा, तो अब ये निकालने में इसके आसानी होती है। अब जब हमने ये सीड डाल दिया है, तो इसको क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है हाथ से हल्का हल्का दबाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। अभी हमने इसको हल्का हल्का इसको दबा देंगे, बहुत ज्यादा। अगर हम अपनी ये सीड को सिलोशिया की ऐसे भी मिट्टी में रख के और हल्का सा दबा देंगे, अगर हम इसके ऊपर मिट्टी ना भी डालें, तो भी ये बहुत अच्छी तरह से इसमें से सीडलिंग हो जाएगी। हाँ, इसकी वाटरिंग का हमको ख्याल रखना है। देखिए, अब इसकी वाटरिंग का हम आपको बता रहे हैं, जब हमने सीड ये डाल ली है ये, तो अब इसकी वाटरिंग हम कैसे करते हैं, देखिए, हल्का हल्का मिट्टी को दबा देंगे, और अगर हम चाहें तो इस पे थोड़ा मिट्टी और डाल दें, आधी सेंटीमीटर और मिट्टी हम इसके ऊपर डाल सकते हैं ऐसे करके। तो इतनी बारीक ये सीड है कि ये अगर हम हल्का सा हाथ से दबाते हैं तो ये वैसे ही अंदर चली जाती है आधी सेंटीमीटर। तो इसको ज़्यादा ऊपर से अगर हम मिट्टी डालेंगे तो फिर ये जर्मिनेट होने में इसको प्रॉब्लम होगी। अब हम इसमें वॉटरिंग करेंगे। देखिए, मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि वॉटरिंग का तरीका क्या है इसका, सीड को देने का। पानी अगर हमें देना है तो हम इसको पानी ऊपर से नहीं देंगे, नहीं तो ये जो सीड इसके अंदर हमने लगाया है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमने उसके लिए क्या किया कि एक एक बड़े से प्लेट में, या कोई कटोरा है, या फिर कोई ऐसे टप जैसा है, उसके अंदर पानी भर के और इस पॉट को ऐसे रख लेंगे। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे पॉट जो है पानी ऊपर की तरफ खींच लेगा,
और फिर ये यहाँ तक मिट्टी इसकी गीली हो जाएगी। एक तो इसका ये तरीका है किसी भी सीड को पानी देने का, दूसरा तरीका है कि हम हल्का हल्का ऐसे ऐसे भी पानी दे दें, ये हल्का हल्का ऐसे दे दें। और पानी देने के बाद ये देखें कि इसको अब हमें रखना ऐसी लोकेशन पे है जहाँ बहुत तेज धूप ना पड़ती हो। ये ऐसे पानी हमने दे दिया, ये नीचे से भी ले रहा है पानी, ऊपर से। आज तो बहुत अच्छी तरह पानी इसको दे देंगे, आप देखिएगा कि 6-7 दिन में ये सीड बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट होने लगेगा। अब देखिए ये पानी के अंदर ये रखा हुआ है सीड का पॉट, तो यहाँ देखिए ये पानी कितना कम हो गया है, तो इस पॉट ने मिट्टी ने अपने अंदर पानी नीचे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये पॉट जो है पूरी तरीके से इसकी मिट्टी गीली हो गई है। अभी इसे रखना है हमें ऐसी जगह पर जहाँ बस थोड़ा सा धूप पड़े, ब्राइट लाइट रहे, डायरेक्ट सनलाइट में फिर ये मिट्टी अगर सूखेगी जल्दी तो जल्दी से ये जो है जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। पॉट को वाटरिंग करके अब इसको मैंने इस क्यारी में यहाँ पे रख दिया है, तो जब इस क्यारी में पानी पड़ता है तो इसकी नमी से भी इसको आसानी होगी जर्मिनेशन के लिए। देखिए यहाँ पर जितने भी मैं कोई कटिंग लगाती हूँ या सीडलिंग करती हूँ तो मैं यहीं पर रखती हूँ, तो इससे क्या होता है कि इनको आसानी हो जाती है लगने में। तो ये अब एक तरीका है कि आप किसी नमी वाली जगह पे या कोई क्यारी में इसको रख दें अपने पॉट को। और इसके पानी देने का एक तरीका और है कि जैसे हम देखें कि इसके ऊपर की मिट्टी थोड़ा थोड़ा सूखी है, तो ऐसे हम स्प्रे से पानी दें, ऐसे बस इसी तरह पानी देना है। और एक चीज कि मैंने इसको जहाँ पे रखा है इस जगह पर धूप बहुत कम पड़ती है, आधा एक घंटा की धूप पड़ती है, और बड़े पेड़ ऊपर हैं तो इन बड़े पेड़ का इसको साया रहता है, तो इसको ज्यादा इसकी मिट्टी सूखने नहीं पाती, थोड़ा सा इसे ब्राइट लाइट भी मिलती है पूरा दिन की, और इसको सूरज की रोशनी थोड़ी सी मिलती है। तो इस तरह जब भी किसी सीड को आपको जर्मिनेट करना है तो उसे ब्राइट लोकेशन पर और किसी नमी वाली जगह पर रखें, और डायरेक्ट सनलाइट उसको ज्यादा देर की न मिलने पाए। तो ये जो है वेरिगेटेड वाली क्वालिटी है, इसको कहते हैं सिलोशिया अर्जेंटिया, और ये मुझे थोड़ा सा कुलियस की शेप में शक्ल में लगता है, उसकी उसी की जैसे इसकी पत्ती है। तो इसमें काफी अभी निकले हुए हैं और बहुत आसान है, बस आप बीज डाल दीजिए, कितने आसानी से देखिए निकल आता है। तो आप भी अपने घर में सिलोशिया के बीज डालिए, मौसम बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत भी लगता है इसके फूल। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी रोज की रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।